अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेहजाद है एंड आई होप आप सबके रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे। 2016 में योशिनोरी ओहसोमी नामी एक जापानी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी या मेडिसिन दिया गया। ये प्राइज इनको कैंसर से बचाव का तरीका बताने के लिए मिला। बेसिकली इन्होंने ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट दिया। ऑटोफेजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेल्फ ईटिंग। उन्होंने बताया कि भूखा रहने की वजह से हमारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स यानी गजाइयत की कमी हो जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा इंटरनल सिस्टम हमारे उन हिस्सों को खाना शुरू कर देता है जो गल सड़ रहे होते हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में बहुत ही प्रिसाइसली बताया कि एक साल में अगर आप 20 से 25 दिनों के लिए 12 से 15 घंटों तक भूखा रहें तो आप कैंसर जैसी मौजू बीमारी से बच सकते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट है जो 1400 साल पहले हमारे दीन ने हमें रमजान की शक्ल में दिया। रोजा रखने के बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, जिसमें सोशल बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, फिजिकल बेनिफिट्स हैं। और अगर आप इनके फिजिकल बेनिफिट्स को स्टडी करें तो उनको आप फर्दर दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पोर्शन जिसमें आपकी एडिक्शंस आती हैं। फॉर एग्जांपल, रोजा रखने से आप सिगरेट नोशी से बच सकते हैं, पान खाने से बच सकते हैं, शराब पीने से बच सकते हैं। अगर आपको ड्रग एडिक्शंस है तो उनसे आप परहेज हासिल कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे कामों से बच सकते हैं जिनको करने के लिए आपका दीन, मुआशरा या आपका जमीर आपको इजाजत नहीं देता। और अगर आप फिजिकल बेनिफिट्स के दूसरे पोर्शन को डिस्कस करते हैं तो इनमें वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप रोजा रख के बच सकते हैं। आज की साइंस ये कहती है कि स्टमक इज अ हाउस ऑफ बैक्टीरिया। दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियां स्टमक में पैदा होती हैं, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं वो सबसे पहले आपके स्टमक में जाता है, उसके बाद इंटेस्टिनल ट्रैक के जरिए न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और उसके बाद ये पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। और ये सिलसिला साल हर साल आपकी पूरी जिंदगी के साथ चलता रहता है। एंड योर स्टमक नेवर गेट्स रेस्ट। स्टमक को रेस्ट ना मिलने की वजह से आपके इंटरनल सिस्टम में बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। द मोमेंट आप रोजा रखना शुरू करते हैं आपके स्टमक को रेस्ट मिलना शुरू हो जाता है और आपके इंटरनल टॉक्सिन्स जो हैं वो हटना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने एक रिसेंट रिसर्च में बताया कि रोजा कैलेस्ट्रोल यानी जिस्म में से इजाफी चर्बी खत्म करने में मदद करता है। रोजा कैंसर के बचाव में मुअस्सर साबित होता है। रोजा बहुत सारी दिल की बीमारियों से बचाने में मुअस्सर साबित होता है। रोजा आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और डायबिटीज कंट्रोल करने में मुअस्सर साबित होता है। रोजा आपको अल्सर और अस्थमा की बीमारियों से बचा सकता है। रोजा आपके दिमाग के काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। और अगर मैं सिर्फ बीमारियों के नेम्स को डिस्कस करूं तो हम इस वीडियो को 10 से 15 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आते हैं रोजे के सोशल बेनिफिट्स के अंदर। सोशल बेनिफिट्स आर वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल एंड देयर आर नंबर ऑफ सोशल बेनिफिट्स वी कैन डिस्कस। जैसा कि भूख ही एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरे की भूख और तंगदस्ती का एहसास दिला सकती है, इसी तरह से रोजा आज के इस डिजिटल और तेज दौर में आपको अपनी फैमिली के साथ दिन में कम से कम 2 मर्तबा गेट टुगेदर करने का मौका देता है, सहर और अफ्तार की शक्ल में। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप साइकोलॉजिकल मिथ या बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड करें तो रोजा आपको सबर और साबित कदमी की तरफ ले जाता है। आज की साइंस ये कहती है, आज का डॉक्टर ये कहता है कि अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दुनिया भर की तमाम तर डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वेल गाइस, आई एम रियली सॉरी कि हम लोग ये वीडियो जो है इतनी लेट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ रोजे जो है वो बाकी हैं। और अगर हमारी ये वीडियो देखकर कोई एक या दो रोजे भी रख ले तो यही हमारा विनिंग पॉइंट होगा। वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।